हेलो फ्रेंड्स, मैं आई एम चर्चित गौर। मैंने मतलब आईटी दिल्ली से बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग करी है एंड आई एम 2015 पास आउट। सो मैंने अपने कॉलेज में ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही दिया था सिविल सर्विसेज। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा भी सिलेक्शन हुआ है एंड माय ऑप्शनल वाज केमिस्ट्री। एंड मैंने 2014-15 में आर के सिंह सर के अंडर में डायस क्लास इंस्टीट्यूट में केमिस्ट्री की कोचिंग ली थी। और मतलब एज सच तो मतलब मेरी जो केमिकल इंजीनियरिंग था तो मतलब ऐसा मेरा केमिस्ट्री में कोई स्पेशल बैकग्राउंड नहीं था, पर मतलब जेई के टाइम आईआईटी पास आउट हुआ, मतलब आईआईटी में मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, तो जो जब केमिस्ट्री पढ़ी थी वो मेरा बैकग्राउंड था। उसके बाद मतलब थोड़ी सी केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगती थी तो इसलिए मैंने केमिस्ट्री ऑप्शनल लिया था अपने दोस्तों के साथ। तो फिर हमने जब डायस के बारे में पता चला था तो हमने डायस में केमिस्ट्री कोचिंग स्टार्ट करी थी और काफ़ी सही एक्सपीरियंस रहा था। मतलब विद इन 4.5 मंथ्स में हमारा पूरा सिलेबस वगैरह ओवर हो गया और सर ने कर अराउंड 80-85% जो चीज़ें थी वो कवर कर ली थी। और मतलब हमने मतलब जो प्रिपरेशन वगैरह था, जो हमारे क्लास में इंट्रैक्शन होता था, उससे भी काफ़ी फ़ायदा हुआ था। और एक जैसे जो क्लास में जो डिस्कशन होता था और जो हम क्लास में सुनते थे, वो मतलब ऐसा था कि वहाँ पे पेपर पे जब हम पेपर जब मैंने फाइनली दिया था वहाँ जाके, तो ऐसा लगा था कि हाँ यार, अगर ये करा है तो वो वहाँ पे काम आ रहा है। और बाकी मतलब जैसे क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, जैसे मैं अभी 2015 में पास आउट हुआ था और तभी मेरा प्रीलिम्स में हो गया था, मेंस हो गया, तो मेरे पास ज़्यादा मतलब बुक्स वगैरह कवर करने का टाइम नहीं था। सो आई वॉज कम्प्लीटली रिलाइंग ऑन नोट्स, सर के नोट्स पे कम्प्लीटली आई वॉज रिलाइंग। सो मेरे को उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ, मतलब मैंने ज़्यादा बुक्स मेरे को एक्स्ट्रा देखनी नहीं पड़ी। कुछ जो इनऑर्गेनिक वाला सेक्शन होता है उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड नोट्स थे, डायस से भी मिल गए थे और बाकी कुछ सर ने बता दिए थे कुछ, तो उससे हमने प्रिपेयर कर लिया, तो वो था। और मतलब मुझे पेपर देके ऐसा लगा कि हाँ, मतलब जो है लगभग सारा कवर हो गया। कुछ पेपर में आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें आई थी तो मतलब इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो किसी को भी ज़्यादा मालूम नहीं हुआ। सो और मतलब ये ऑप्शनल के लिए था। जीएस की प्रिपरेशन के लिए मैंने मतलब कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी। मतलब मेरा प्लान ये था कि मैं प्रीलिम्स दे दिया था, मैंने प्रीलिम्स के टाइम मुझे ऐसा लगा था कि अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे आके दोबारा कोचिंग करता। तो मैंने कुछ खुद से प्रिपेयर किया था, काफ़ी जो नेट वगैरह से होता है वहाँ पर वीडियोज़ वगैरह मिल जाते हैं ऑनलाइन सब्जेक्ट्स के, तो उनको देख देख के प्रिपेयर किया था। और लकीली मेरा प्रीलिम्स अच्छा हो गया था तो मुझे लग गया था कि सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर मैंने कोचिंग का आइडिया ड्रॉप कर दिया था और मेंस की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी थी अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह हैं, वो सब ज्वाइन करा था उसे। और बाकी उसके बाद इंटरव्यू, जब मेंस का रिजल्ट आ गया उसके बाद इंटरव्यू के लिए भी स्टैंडर्ड 2-3 जगह मॉक इंटरव्यू दे दिए। डायस में मैंने सर के साथ डिस्कशन किया था, वाजपेयी सर के साथ, और फिर उसके बाद मतलब इंटरव्यू हो गया था। फिर उसके बाद ठीक है, सब कुछ अच्छा हो गया, रिजल्ट अच्छा।